तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरी है छुट्टी और सभी, मेरा भाई वाइफ सब ड्यूटी पे गए हैं, उनकी जॉब है। मेरी छुट्टी है तो मुझे ही सर घर का सारा काम करना है, तो घर पूरा बिखरा हुआ है अभी, बहुत काम करना है, बर्तन धोने हैं मुझे, सुबह नाश्ता की साफ सफाई भी करनी है, फिर पूजा करनी है थोड़ा, फिर दिन में खाना बनाना है। दादी है घर पे अकेली और मैं हूँ, मुझे दादी के लिए खाना भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं काम। दादी टीवी देख रही है बगल वाले रूम में। दादी देख रही है रामायण, दादी को रामायण लगा के आ गया मैं टीवी में। और बहुत सारे बर्तन हो रखे धोने के लिए, पूरा भरा पड़ा है सिंक, बस साफ सफाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बर्तन धोने से। बर्तन धुलने के बाद करते हैं किचन की सफाई, फिर करेंगे रूम की सफाई, फिर करूंगा थोड़ा पूजा, फिर उसके बाद दिन का खाना बनाना है, फिर सो जाऊंगा मैं। तो किचन की तो हो गई है साफ सफाई, किचन तो हो गया साफ, अब करना है रूम। तो चलिए तो चलिए शुरू करते हैं खाना बनाना। मैं बना रहा हूँ कढ़ी चावल, ये निकाला मैंने सर, एक गिलास चावल,
मैंने रख लिया है चावल, अब बनाएंगे हम कड़ी। बेसन छाछ प्याज टमाटर हरा पत्ता इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्की सी लाल मिर्च। और इसको थोड़ा देर घुमाएंगे। और इसे 2 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब इसे ढक्कन हटाएंगे। ये हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे गन्ने छाछ और बेसन का जो बनाया था घोल, इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। थोड़ा इसमें डालेंगे पानी और अब इसको हिलाते रहेंगे। इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगा।
दादू मेरी ओलिया रोज कूड़ी, दादू मी पर्वतों को वासी, जम जमले दादू मेरी सौंजड़ाच काफू, दादू मेरी गैल्याच हिलासी, जम जमले। छायो मी बाजी को पियारो, छायो मी माजी को लाडूलो, छ मेरा गोला महासूलो, दादू रे बाजी को भेटूलो, छम छमले दादू मेरी ओलिया रोज कूड़ी, दादू मी पर्वतों को वासी, छम छमले। तो गाते गाते हमारी होने वाली है कड़ी तैयार, और अब इसको उबलने के लिए छोड़ दें। तो हो गई है कड़ी तैयार पत्ते वाली। अब चलते हैं हम खाना खाने। तो अब हम खाना खाते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।